मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है 1 से 10 तक का सम। अब अगर हम 1 से 10 तक का सम करते हैं तो 1 में 2 का एडिशन करेंगे 3, इसके बाद इसमें 3 का एडिशन करेंगे 6, इसके बाद 4 का एडिशन करेंगे तो 10। इस तरह से अगर हम 10 तक का एडिशन करते जाएं तो इसमें गलती हो जाने की संभावना रहती है, चांसेस रहते हैं, और इसके अलावा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। हमारे पास एक और तरीका है इसी कैलकुलेशन को करने का 1 से 10 तक, वो हम आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। मैंने 1 से 10 तक का सम करना है तो आधे नंबर मैंने यानी 5 तक लिखे हैं इस कॉलम में। अब 6 से लेकर के 10 तक मैं लिखूंगा नीचे से ऊपर की तरफ इसके बराबर में, 6 देन 7 देन 8 देन 9 और ये 10। अब आप इन दो को जोड़ते जाइए, दो दो का सम करिए, ये 11 ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11 और ये भी 11। अगर आप देखें तो ये 11 आया 5 बार, तो 11 चूंकि 5 टाइम्स है तो ये सम हो गया 11 × 5 यानी 55। अब इसके आगे हम बात करते हैं, अगर हमें इससे भी बड़ा सम करने को कहा जाए, मान लीजिए 1 से 100 तक का, तो अगर हमें 1 से 100 तक का सम करना है तो आप पहले 1 लिखिए 2, 3, 4, आपको 50 तक लिखना है यानी 48, 49 और ये 50 यहाँ तक लिखिए। अब 51 से 100 तक के लिए आगे के 50 डिफरेंस आप लिखेंगे आगे इसके बराबर में, ये 51 ये 52 ये 53। अब मुझे नहीं मालूम इसके बराबर में क्या आएगा, हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ पर 100 आएगा तो इससे जस्ट पहले इसके पहले वाला नंबर रहा होगा 99, ये 98 ये 97। अब आप इन दोनों को सम अप करते जाइए, जब आप इन्हें सम अप करते जाएंगे तो आप देखिए ये सब हुआ 101 ये भी 101 ये भी 101 ये भी 101 और ये भी 101। ऐसे ही यहाँ भी ये 101 ये भी 101 ये 101 आया कितनी बार, 50 टाइम्स, तो ये सम हो गया 101 × 50। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 101 × 50 को 5 × 10। अब आप देखो 101 × 5 हो गया 505। अभी 10 का मल्टीप्लिकेशन बाकी है तो लगा दो सी लो, हमारे पास ये 1 से 100 तक का सम हो गया। आप चेक कर लीजिए इस सम में हमसे कोई गलती भी नहीं हुई और ये सम हमने बहुत तेजी से भी कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी गिनती का किसी भी गिनती तक का सम कर सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर हर पेयर में जो सम है ये कितना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों का जोड़ हर पेयर का सम है। मेरे पास 100 नंबर्स थे तो इसमें 50 पेयर्स बने थे यानी जितने नंबर्स हैं उसका आधा नंबर पेयर्स का होगा। अगर ये 100 टर्म्स थी तो नंबर ऑफ पेयर्स हो गए n/2। अब ये सम मेरे पास हो गया इन गिनतियों का। अब आप प्रैक्टिकली इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, जैसे 11 से 20 तक, इसके अलावा 11 से 50 तक, 21 से लेकर के 30 तक, 91 से लेकर के 100 तक, ये सब अलग अलग करके आप इसको चेक करेंगे।